सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर स्वाइप अप फंक्शनैलिटी देखी थी, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम एक टिक टैक टो गेम बनाएंगे जो कि समथिंग अबाउट ऐसा लगेगा। देखो ये दिख रहा होगा राइट, ये जिसमें पूरा फंक्शनल है। देखो एक्स एंड तो देखो लिख के आ गया कि प्लेयर वन हमारा जीत गया है। एंड अगर सिमिलरली ब्लैक वाला हम करते हैं, ठीक है, तो लिख क्या जाएगा, प्लेयर टू जीत गया है ना। तो ये एक बेसिक सा हमारा टिक टैक टो गेम रहेगा जो कि हम फ्लटर की मदद से बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यह क्या करेंगे, इसको मैं बंद करता हूँ एंड यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे राइट। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर टर्मिनल में, ठीक है, यू कैन सी हियर टर्मिनल। लेट्स डू वन थिंग, अभी लेना है सिमुलेटर को हटा के, नहीं विंडो को थोड़ा सा ब्रॉड ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लटर क्रिएट टिक, ठीक है, मैंने विदाउट स्पेसिंग के इसको करा दिया, फ्लटर क्रिएट टिक टैक टो। तो ये हमारा एक नया ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट पूरा क्रिएट कर देगा, है ना। सो आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट ये पूरा इसने बना दिया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फोल्डर में वापस से शिफ्ट बैक हो जाते हैं, लटर प्रोजेक्ट्स टिक टैक टो के अंदर हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट कह रहा हूँ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमको क्या करना है, अब इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये आपको पता होगा वो बेसिक सा काउंटर ओपन हो जाएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमको यहाँ पे काउंटर नहीं चाहिए, हम सबसे पहले आते हैं अपनी ये फाइल में, ठीक है, इस पूरे को हम रिमूव कर देंगे, कम्प्लीटली गॉन राइट। आई होप आपको स्क्रीन पूरी विजिबल होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम यहाँ पे करेंगे वो होगा इम्पोर्ट करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट, उसके बाद पैकेज, पैकेज के अंदर अपना फ्लटर एंड इनसाइड फ्लटर आई विल राइट मटीरियल डॉट डॉट। तो हमने मटीरियल डॉट डॉट हमारा इम्पोर्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वॉइड मेन जो कि हमारा बेसिकली एक ओपनिंग पेज है ना, वॉइड मेन लिखा मैंने। वॉइड मेन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एक यू नो एंट्री पॉइंट डाटा इज रन ऐप, ये हमारे आपको रन करेगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसका नेम दे दूंगा न्यू माई ऐप, मतलब हमने यहाँ पर एक नया ऐप बनाया है, ठीक है, माई ऐप करके हमने यहाँ पर इसको ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्टेटलेस विजिट। तो ये रहा स्टेटलेस विजिट, क्योंकि हमको अभी इसमें बेसिक चीजें ही एड अप करनी है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल स्टेटलेस विजिट बना लेंगे जिसका मैं नेम यहाँ पर रखूंगा माय ऐप, ठीक है ना। अभी हमको ये कॉन्स्ट इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पूरी फाइल भी हमने इग्नोर करवा दिया हमारा, मतलब जो अभी जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आए, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हमारा एंट्री पॉइंट लिखा है, दैट इज वॉइड मेन रन ऐप न्यू माई ऐप, ठीक है। इससे हमारा एक नया ऐप हो गया, क्लास हमने एक बना दी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं एज एन स्टेटलेस विजिट। तो क्या करेंगे हम, स्टेटलेस विजिट के अंदर यहाँ पर हम चीजों को ओवर राइड करेंगे। दैट इज हम मुझे यहाँ पर चाहिए एक मटीरियल ऐप, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक नया मटीरियल ऐप बनाया है। उस मटीरियल ऐप के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि हम यूज करेंगे, ठीक। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल थीम, तो हमको थीम बनानी है यहाँ पर, हम न्यू लिखेंगे न्यू थीम डेटा, हम यहाँ पर एक नई थीम बना रहे हैं। और इसका ना प्राइमरी कलर हम कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक, सॉरी ये सी कैपिटल होगा, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। ये हो गया हमारा थीम डेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर होम, और होम के अंदर हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाएंगे, दैट इज न्यू होम पेज, नॉट गूगल, होम पेज, ठीक है। न्यू होम पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। बट अभी जैसे कि देख सकते हो ये क्लास हमारी एम्प्टी, हमने हम यहाँ पर अभी क्लास बनाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे मेन यहाँ पर एक नई फाइल लेते हैं, क्योंकि तो अब जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना उसमें मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करना ही बेटर रहता है, बिकॉज इससे हमारा कोड जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं फाइल लिखूंगा, नेम लिखूंगा अपना होम पेज डॉट डॉट, मैंने यहाँ पर लिख दिया होम पेज डॉट डॉट। और यहाँ पे भी हम वो सेम चीजें लिखेंगे, दैट इज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर फ्लटर, फ्लटर के अंदर मटीरियल डॉट डॉट, ठीक है, मटीरियल डॉट डॉट हमने लिख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटफुल विजिट का यूज करेंगे। अभी तक हम स्टेटलेस विजिट लिख रहे थे बिकॉज हमको अभी कोई भी चेंजेस वाली चीजें नहीं चाहिए थी राइट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा स्टेटफुल विजिट,
क्योंकि हमको यहीं पर सारी जो मेन मेन चीजें हैं वो करानी है। तो ये बेसिक कोड तो अभी तक आपको आई गेस याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं तो सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के चक्कर में स्निपेट्स का यूज करता हूँ, ठीक है ना। क्लास है हमारी, होम पेज एक्सटेंड करती है स्टेटफुल विजिट को, ठीक है। ये कॉन्स्ट सुपर की वाला हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअली डिमांड करता है, ठीक है ना, की कंस्ट्रक्टर, इसलिए रखा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ओवरराइड किया, स्टेट बनाई है जिसका नाम है होम पेज, ठीक है ना। क्रिएट स्टेट कर दी, दिस इज अंडरस्कोर होम पेज स्टेट, और उसको फिर से एक्सटेंड करा है। और मतलब ये यहां तक जो था ये था पूरा प्री रिटेन, इसमें आपने को कुछ नहीं करना, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा स्टेटफुल के केसेस में, है ना। बट अगर हमको जैसे करना हो तो यहां से हमको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर यहाँ पर होता है सबसे पहले प्री रिटेन चीजें, जैसे कि एक है ऐप बार। तो ऐप बार के अंदर जो हेडिंग आती है ना हमको, मैं यहाँ क्रिएट करूंगा न्यू ऐप बार। ऐप बार के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल, टाइटल विल बी टेक्स्ट, ऑब्वियसली टेक्स्ट तो रहेगा ना यार, टाइटल में टेक्स्ट तो लिखोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एक, क्या लिखा हूँ मैं, टिप पैड पैड, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एक बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं। तो मेरे को चाहिए भाई कि मेरे को बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होना चाहिए ब्लैक, ब्लैक यू नो सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया अपना इतना सा सेक्शन। अभी ये काम करते हैं, सबसे पहले ना हमारे ऐप को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कुछ एरर, एक्चुअली यहाँ पर एरर आ रहा है ना क्योंकि हमने फाइल को इम्पोर्ट नहीं करा। मैं यहाँ लिख पे क्लिक करूंगा, इस पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पोर्ट पैकेज, इम्पोर्ट कर लेंगे हम लाइब्रेरी दैट इज होम डॉट डॉट, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर के जो ये फाइल बनाई है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया बेसिकली, है ना। तो ये हो गया हमारा कोड, अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, राइट। इसमें क्या बता रहा है हमको, ठीक। मतलब ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ये मतलब ये मानता रहता है। देखो जैसे ये ब्लू लाइन से जो हाईलाइट करता है ना, इट मीन्स उसको कुछ लग रहा है, कुछ चाहिए डॉट, तो देख लेना। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं, अपन ने भी कोई प्रॉपर कोड लिखा हो, जैसे भी कौन सा मॉडिफायर ऐड कर देते तो सही हो जाता है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कोड को ना अपने रन करके देखते हैं। देखो ये हमारा कोड रन हो जाएगा इस पर, अभी तो इसको बंद कर दो। अपने आप यहाँ पर एक पूरा सेटअप टाइप का बन के आ जाएगा, राइट। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक होता है तब तक हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। आई गेस इतना तो समझ में आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ऊपर का जो मतलब हेडिंग होती है ना वो है, ये इतना सा सेक्शन, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी वॉडी जो इसकी रहती है इंटरनल सेक्शन जो भी रहेगा बॉक्सेस वगैरह, वो हम यहाँ पर पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर चालू हो गया, नहीं हुआ, हाँ थोड़ा बहुत टाइम लेगा, सी इट्स टेकिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, करने दो। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं, लाइक आई मीन ऑब्वियसली बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटेनर, ठीक। अब कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेकोरेशन बनाते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए ये जो प्रोजेक्ट है ना इसकी जो डेकोरेशन है वो ग्रेडियंट, मतलब उसमें जो कलर आ रहा है ना वो ग्रेडियंट टाइप का हो, जैसा कि अभी आपने देखा इस जो मैंने अभी बिगनिंग में दिखाया था ना उसके हिसाब से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डेकोरेशन लिखा, देन डेकोरेशन के अंदर कभी कभी जब अपन कोड करते हैं ना और ये ब्लू लाइन आते हैं दैट अनॉइज अलॉट, तो ये सब देखा रहना है ना कि ये लाइन वगैरह ना आए, क्योंकि फिर वो ऐसा लगता है ना कि अपन गलत कोड कर रहे हैं। गेस कुछ देखो अब चल गया, फाइनली चला है ना। देखो तो अभी के लिए ना हमारा इतना पार्ट बस रेडी हुआ है, हमने सिर्फ इतना बनाया अभी। देखो ये ब्लू कलर ब्लैक कलर का वो है, इस पे टिक टैक टू लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आईफोन वाला फील लेने के लिए यहाँ पर लिख देंगे सेंटर टाइटल एंड विल गिव इट अस ट्रू। इससे क्या होगा ना, जैसे मोस्टली जो लोग आईफोन में इसको कोड करेंगे उनका तो प्री डिफाइंड सेंटर में ही आएगा, बट अपना नहीं आता है, एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, तो हमने उसको सेंटर में कर दिया, राइट। थोड़ा सा कूल लगेगा इससे। अब क्या करना है, हमको यहाँ डेकोरेशन देनी है। सो डेकोरेशन के लिए इनसाइड दिस हमने लिखा है बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन के अंडर भी आती है कुछ चीजें लाइक ग्रेडियंट, ऑब्वियसली ग्रेडियंट देना हमको, हम कौन सा ग्रेडियंट दे रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट। अब लीनियर ग्रेडियंट के अंदर एक आता है सेक्शन जिसमें बिगिन, तो सबसे पहले कहां से वो स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होना चाहिए अलाइनमेंट डॉट टॉप के लेफ्ट से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एक बार
देख लो क्या टाइप कर रहा हो, उसके हिसाब से फिर टाइप करना, ठीक है। बिगिन कहाँ से होना चाहिए? तो आपके लेफ्ट से, एंड एंड कहाँ से होना चाहिए? अलाइनमेंट डॉट बॉटम के राइट से, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया? टॉप लेफ्ट से, और एंड होना चाहिए बॉटम राइट से, समवॉट ऐसा टाइप का फिगर बने, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको कॉमा लगा के इसके बाद यहाँ पर कलर्स मेंशन करने हैं। अब ऑब्वियसली कलर्स कौन से दोगे? तो कलर्स के लिए तो यार मैंने एक कलर ऐसे सोच के रखा है, दैट इज कि मैं भी ये लिख दे रहा हूँ, ऑरेंजिश टाइप का शेड था ऐसा कुछ, ठीक है। ये येलोइश है, RGB 2255 46, ये नोट कर लेना अगर चाहिए हो, वरना अपने हिसाब से कोई भी अटैच कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं अब ना, एक बार हमारा पेज जो है वो रीलोड करके देख लेते हैं। देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। ये पूरा डायगनली में जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कलर, सबसे अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ऑब्वियसली बॉक्सेस बनाने हैं हमारे टिक टाक टोई के लिए। तो बॉक्स बनाने के लिए ना हमको यहाँ पर ग्रिड का यूज करना पड़ेगा। अब जो भी वेब डेवलपमेंट वाले हैं उनको आइडिया होगा कि हम ग्रिड क्या होता है ना। ग्रिड मीन्स लाइक बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, जैसे पूरा ग्रिड बन जाता है, ठीक है। हमको वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बॉक्स डेकोरेशन के जस्ट बाद इधर पे हम लिखेंगे चाइल्ड, कंटेनर का चाइल्ड, और उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं लिख दूंगा एज ग्रिड व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना पूरा ग्रिड व्यू, ये आ गया हमारा ग्रिड व्यू। अब इसमें हमको चार पांच चीजें एडिट कर बतानी है इनके हिसाब से। जो फर्स्ट इज ग्रिड डेलीकेट एंड आइटम बिल्डर। तो यहाँ पर ना एक मैं चीज बताता हूँ, दैट इज इधर पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू सिल्वर, बड़ा सा नाम है पता। अब ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक डेलीकेट बनाता है, दैट मेक्स ग्रिड लेआउट्स विद फिक्स नंबर ऑफ टाइल्स इन अ क्रॉस एक्सिस, ठीक है ना। ये बेसिकली एक समझ लो ऐसा लेआउट बनाएगा जो कि क्रॉस एक्सिस में हमारी फिक्स नंबर ऑफ टाइल्स हमारी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा सा नाम है तो जरूरी नहीं है यार ये यूज करो, बट ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के बता जैसे लिखा है, स्लिवर ग्रिड डेलीकेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर भी हमको खूब सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, स्पेसिफाई करना पड़ता है। लाइक जो भी वेब डेव वाले उनको तो लगेगा यार ये क्या हो गया। टेक्निकली जब हम वेब में कोड करते हैं ना, वेब डेवलपमेंट में, तो बहुत ईजी हो जाता है ग्रेड लगाना, बट इधर पे ना एज अ बिगनर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, क्रॉस एक्सिस काउंट हमारी 3 रखी है, ऑब्वियसली हमको 3x3 की ग्रेड चाहिए, राइट। तो मैंने 3 लिखा है क्रॉस अलाइनमेंट पे, फिर चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो 1 रखा है, देन क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। तो ये क्या है, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, ये लॉजिकल पिक्सल्स हैं जो कि ना ईच चाइल्ड के बीच के होंगे, एक एक ब्लॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच का डिफरेंस हमें कायदे से वो उतना रहेगा। तो इसको ना मैं थोड़ा सा आई कीप इट एज 6.0, ठीक। एंड मेन थिंग इज मेन एक्सिस स्पेसिंग। अब ये क्या है, तो मेन एक्सिस स्पेसिंग है ईच जब तक चाइल्ड है उसके बीच का डिफरेंस मेन एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो, तो उसको मैं लिख दूंगा 9.0, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इतना सेक्शन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आइटम बिल्डर में लिखना है। तो आइटम बिल्डर में हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हमको क्या चाहिए, कैसे आइटम चाहिए। यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट कर दो ताकि थोड़ा सा ना इजिली विजिबल। अभी देखो जैसे बहुत लंबा उधर चला गया ना, क्या करते हैं इसको यहाँ ले आते हैं, देन इसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेना ताकि देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना जस्ट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ एज एन कंटेक्स्ट, एक कंटेक्स्ट और इंडेक्स ये वाला, और इसको हम क्या करेंगे, न्यू साइज बॉक्स, मतलब एक साइज, एक नए साइज का बॉक्स हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जिसकी विड्थ होगी अबाउट 100 एंड उसकी हाइट होगी
अबाउट सेम टू सेम 100, राइट पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये बना दिया, देख सकते हो ऐसा टाइप का। अब क्या करते हैं ना, एक बार को चेक करके देखते हैं क्या सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेट्स हैव अ लुक, मैं क्या करता हूँ पेज को एक बार ना रीलोड करके देखता हूँ। अभी हमारे बॉक्सेस ना इसमें विजिबल नहीं है, राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा आगे का एक बार और चेक करते हैं। हाँ हमने क्या किया, यहाँ पर साइज की वो दे दी, वेट दे दी, हाइट दे दी, बट उसके अंदर क्या कंटेंट स्टोर होना चाहिए ना वो हमने बताया ही नहीं है टेक्निकली। तो ऑब्वियसली हमने वो डिसाइड नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, तो वो टेक्निकली नथिंग, इग्नोर मारेगा, है ना। उसको लगेगा कि हमने बस ऐसे एक्स्ट्रास में कोड कर दिया। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर चीजें एंटर करनी पड़ेंगी। जैसे ये चाइल्ड कंटेंट है ना, इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग देनी है मुझे, इसमें कितनी दूंगा, पैडिंग इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड एज इंसर्ट्स, मतलब चारों तरफ में मुझे देनी है अराउंड 8.0 पिक्सल्स की पैडिंग, ठीक। एंड क्या करना है, अब इस पैडिंग के अंदर यहाँ पर एक और चाइल्ड आएगा, ऐसे करो इसको, थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना थोड़ा इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अब चाइल्ड के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक एलिवेटेड बटन, ठीक। अब इस एलिवेटेड बटन के अंदर, एलिवेटेड बटन बटन के अंदर यहाँ पर आएंगी कुछ चीजें, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर अभी डिफाइन कर देंगे ऊपर। तो उसके लिए ना सबसे पहले जो चीजें इसके अंदर स्टोर होनी है, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स हमारे असाइन कर देते हैं। आई नो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने, बट एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ये, मतलब थोड़ा कोड एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड बना दूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राइट यहाँ पर ये तो हमारा हो गया होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे, दैट इज गेम बटन, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो वहां पे वो डिफाइन करा है वो एक तरह का बटन है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तभी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐडअप कर देते हैं। सबसे पहला इज ऑब्वियसली इम्पोर्ट, देन पैकेज, देन फ्लटर, देन मटीरियल डॉट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, दैट इज गेम बटन, और उसके अंडर कुछ चीजें लिख देते हैं, दैट इज फाइनल आईडी, और यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग जो हमारी है टेक्स्ट होनी चाहिए, एस कैपिटल आएगा इसमें, ठीक है। देन जो हमारा कलर है बैकग्राउंड का बीजी होना चाहिए, देन हमारे जो बूल है वो इनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब आई गेस आपको पता होगा बूल क्या होता है, बूलियन वैल्यूज क्या होती है, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ना हम एक गेम बटन लिखेंगे। ऑब्वियसली हमको क्या करना है, एक गेम बटन चाहिए, उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट आईडी कॉमा दिस डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग रख देते हैं, ओके। सो हमने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गेम बटन डिफाइन करा है, ठीक। अब इस गेम बटन में टेक्स्ट तो कुछ भी नहीं रहेगा अभी हाल फिलहाल के। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक दिस डॉट बीजी जो मैंने बनाया वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं कलर्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कलर्स डॉट ग्रे, एक्चुअली मुझे ग्रे नहीं रखना है, बट स्टिल अभी के लिए मैं ग्रे रख दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं इसको चेंज कर दूंगा, ओके। कलर्स डॉट ग्रे हो गया, देन आई राइट दिस डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है ना। दिस डॉट इनेबल इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया, एंड यहाँ पर सेमी कोलन भी लग गया, यहाँ पर ना दिस डॉट बीजी होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा गेम बटन जो मैंने अभी यहाँ पर है ना टेक्निकली डिफाइन कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आई विल क्रिएट अ लिस्ट, यहाँ पे जो हमारे जो है ना कॉन्स्टेंट हमारे जो यहाँ पे हमने अभी वेरिएबल्स बनाए हैं ना, दैट इज गेम बटन के, उसके ना हम यहाँ पे
बेसिक चीजें जैसे कि प्लेयर वन हो गया, प्लेयर टू हो गया, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं ताकि यू नो विल बी लिटिल इजी हियर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, जो हमारा गेम बटन जो हमने वहां पे अभी डिफाइन करा है, राइट, गेम बटन। अब इस गेम बटन के अंदर मैंने क्या करा, एक बटन लिस्ट करके फाइल बना लिया, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, बटन लिस्ट अपनी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इनिशियलाइज हमको करनी पड़ेगी, राइट। तो हम वो भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटन लिस्ट को हमारी इनिशियलाइज करेंगे, ऑलराइट, इनिट, ये रहा हमारा टू डू इंप्लीमेंट इन स्टेट आ गया ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा इनिट स्टेट, और इनिट स्टेट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा बटन, बटन लिस्ट दैट इज टू इनिट। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट, लिस्ट के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा गेम बटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा हमारा डू, जो इनिट हमने बनाया अभी, ठीक है। इनिट, डू इनिट के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के अंदर आ गए हमारे गेम बटन्स, ठीक है। और वो गेम बटन्स हमको कहाँ से मिलेंगे, हमको मिलेंगे यहाँ से, ये जो हमने ऑटो इम्पोर्ट करा ना गेम बटन्स वाला सेक्शन, वहां से। अब इसके अंदर हमको यहाँ पे क्या लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है हमारे बटन्स को बेसिकली डिफाइन करना है। जो हमने ग्रिड बनाया है ना, तो ग्रिड के जो बटन्स हैं हमको उसको डिफाइन करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू गेम बटन। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा आईडी इसकी O1, ठीक है। ऐसे ही करते हुए मैं ऐसे ही अराउंड यहाँ पे ऐसे ही करते हुए मैं तीन चार, ठीक है, दैट इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड वन मोर दैट इज नाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे नाइन बटन्स बनाए हैं, और वो नाइन बटन्स को बनाने के बाद हमने यहाँ पर इनको डिफाइन कर दिया, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ले रहा है नल वैल्यू, तो हमने लेट मॉडिफायर यहाँ पर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा ना, जो ये अभी नल वैल्यूज ले रहा था वो ये नहीं लेगा, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना सेक्शन। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक वो बना रहे हैं, हमको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे हमारे गेम बटन्स, ठीक। और हमने क्या किया है, अब यहाँ पर आएंगे ना हम ग्रिड पे, हमारा जो ग्रिड सिस्टम है, कहाँ है ग्रिड, ग्रिड ये रहा ग्रिड व्यू बिल्डर जो है हमारा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने यहाँ पर आइटम काउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम काउंट ऐड कर देंगे जस्ट राइट हियर, ठीक है ना, आइटम काउंट। अब आइटम काउंट के अंदर बाद हम क्या लिखूंगा, बटन लिस्ट की जो लेंथ है वो होगी हमारी आइटम काउंट में, हमारे ग्रिड के जितने भी आइटम्स होने चाहिए वो होगी हमारी आइटम काउंट, यहाँ से हम बैठा लेंगे इसको, ठीक है ना। और जो आइटम बिल्डर है वो तो आप समझ में आ गया होगा, जो हमारा कंटेक्स्ट है और इंडेक्स है वो, मतलब आइटम बिल्डर का, वो हमको कहाँ से लेना है, इससे लेना है, साइज्ड बॉक्स से, जो कि हमने यहाँ पर आप डिफाइन कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक चाइल्ड को एक सेकंड को हटा भी दूँ, एंड अगर अब मैं इसको एक बार ट्राई करूँ, आई थिंक सो, वैसे तो मुझे नहीं लगता शो करेगा कुछ, या एलिवेटेड बटन्स हमने ऐड नहीं करे ना, सो अभी तो नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ना हम वापस वो जो लाइन हमारी लिखी थी उसको लिखा रहने देते हैं, और हम इसके अंदर अब लिखते हैं, ठीक। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद ऑन प्रेस्ड। सबसे पहले तो ऑन प्रेस्ड फंक्शन हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि जब भी हम वो बटन को, मतलब तो हमारा जो बटन है, जब भी हम उसको प्रेस करें तो क्या होना चाहिए। प्रेस करने पर ऑन प्रेस पे अभी के लिए तो मैं इसको नल रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तो इधर कुछ भी नहीं कराना है, राइट। और सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं चाइल्ड, चाइल्ड के बाद न्यू टेक्स्ट, और न्यू टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर हमको डेटा क्या लिखना है, डेटा हम लिखेंगे हमारा बटन लिस्ट, ठीक। जो हमने बटन लिस्ट बनाई है अपनी, उस बटन लिस्ट का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो इंडेक्स को हमको टेक्स्ट देना है, डॉट यहाँ पर आएगा, ठीक।
ये क्या हुआ, अच्छा कॉमा यहाँ पर हम लगाना होते है गया, ठीक है। ये छोटे मोटे चेंजेस ये सब देख लेना, राइट, फॉर्मेट कर दिया ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, है ना। एंड सिमिलरली अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम स्टाइल ऐड कर देंगे। लाइक हमने अभी यहाँ पे चाइल्ड हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट हमने वो तो बना दिया है, बट हम स्टाइल देना अभी रह गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सबसे पहले स्टाइल, स्टाइल के अंदर आएगा न्यू टेक्स्ट स्टाइल, विल बी कैपिटल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा कलर, कलर हो गया हमारा कलर्स डॉट वाइट, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पे वाइट ऐड करना है। देन फॉन्ट साइज ये हो गया हमारा 20.0। अभी क्या एरर बोल रहा है, ये एरर बोल रहा है टेक्सटाइल कैन बी असाइन टू अ पैटर्न स्टाइल। ओके हाँ, हमने क्या किया, हाँ हमने यहाँ टेक्स्ट के अंदर, ओके हमने क्या किया, गलती ये कर दी हमने, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, राइट। उससे क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चला गया, हमको यहाँ पर कॉमा लगाना था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये टेक्स्ट बटन के मतलब ये जो स्टाइलिंग हमने करी है ना, ये पर्टिकुलर सिर्फ इस टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। इस बटन से इसका कोई लेना देना नहीं, बटन की स्टाइलिंग तो अभी हम करेंगे, राइट, जस्ट आफ्टर दिस, यहाँ पर स्टाइल के बाद हम यहाँ पर करेंगे स्टाइल, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन के अंदर डॉट स्टाइल फॉर्म, एलिवेटेड बटन का स्टाइल फॉर्म क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे ऑब्वियसली यार एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या ले लेंगे, बटन लिस्ट जो हमने वहां पे बनाई है उसका जो इंडेक्स है, ठीक है, उसका जो भी बैकग्राउंड बनेगा वो हमको दे देना, ठीक है ना। और यहां पर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, यहां पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज डिसेबल बैकग्राउंड कलर बटन लिस्ट, उसके बाद वही इंडेक्स एंड उसके बाद डॉट पीजी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड कॉमा लगेगा है, आई थॉट यही होगा। तो आई गेस अभी तक तो सब सही चल रहा है। देखो अभी क्या हुआ, हमारी ग्रिड्स आ गई हैं, ठीक है ना, बट इस पे टैप करने पे कुछ भी नहीं हो रहा ग्रिड्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन प्रेस्ड जो है यहाँ पे ये नल सेट किया गया है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा इतना सेक्शन। अभी क्या कर सकते हैं, अभी के ना, अभी के ना हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका ये जो पैडिंग है वो बस हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना बाकी बचा जो काम रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, थोड़ा टेक्स्ट वाला देन क्लिक करने पे क्या हो रहा है वो थोड़ा सा ना लेंदी हो सकता है, अगर मैं इसी में सब कुछ ऐड करूँ तो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं ये करता हूँ देन यहाँ पर ना इधर पे पैडिंग एड अप करनी पड़ेगी मुझे, पैडिंग पैडिंग कंटेनर को देता हूँ, रुपये काम करते हैं, ये जो हमारे कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर को ना पैडिंग में रैप कर देता हूँ, ग्रिड व्यू को पैडिंग में रैप करा, पैडिंग देनी है ओनली हमको कहाँ से, ऐसे इसको ऐसा करने के कई और भी तरीके थे, बट लाइक अभी जो है ना मैं इसको ऐसे करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे अभी और इस वीडियो को ना डिफिकल्ट नहीं बनाना समझने के लिए लोगों को, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, सबसे सिंपल है, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये जो हमारा ग्रिड है ये पूरा, इसको मैंने पैडिंग दे दी टॉप से, तो क्या ये पैडिंग देने की वजह से थोड़ा सा नीचे खिसक आएगा, ठीक है। अभी रीलोड करूंगा तो समझ जाओगे, देखो देखो खिसक आ गया, तो ये सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर में आ गया, ये सेंटर नहीं है बट सेंटर में अलाइन हो गया है, राइट। तो ये देख सकते हो ये पैडिंग हमारी यहाँ पर आ गई है इसके उसमें, बट अभी ये इस बटन प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल है ना, अभी ऐसा समझो सिर्फ यूआई फोटो टाइप का है, कि हमने अभी यहाँ पे इसमें वो ऐड नहीं करा है फंक्शंस की, भाई प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, बटन का कहाँ जाना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है इधर पे। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, एक मैं छोटा सा रैप अप कर सकता हूँ अगर चाहो तो। तो देखो सिंपल है, हमने यहाँ फंक्शन लगाया स्टेटलेस विजिट का, ठीक, हमने उसके बाद यहाँ पर एक ऐप बार बनाया दैट इज हेडिंग, देन हमने क्या किया एक कंटेनर बनाया पूरा, मतलब ऑब्वियसली ये पूरा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐप बार, ये हमारा कंटेनर, इस कंटेनर को हमने इतने हिस्से में पूरी डेकोरेशन दी, कलर वाला ग्रेडियंट ग्रेडियंट दिया, उसके बाद मैंने क्या किया एक ग्रिड व्यू बनाया,
तो ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पर ग्रिड बनाया है तो उसका थोड़ा सा कोड है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रिड व्यू का साइज डिफाइन किया तो 100 100 का ये साइज हो गया यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद बाकी हमने ये जो साइज का ये जो कंटेनर बना है इसको ऐसा बटन क्रिएट कर दिया है। अब उस बटन में अभी ऑन प्रेस कुछ भी नहीं करा है, बाकी वैल्यूज हमने ली ऐसी की ऐसी छोड़ दी है। और इधर पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए थे, दैट इज टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमारा कलर होना चाहिए, एंड हमारा बूल जो है इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आईडी हमने यहाँ क्या किया है, आईडी हमने यहाँ पर दे दी है ऐसी, आईडी दे दी है फाइनल आईडी, ठीक। मतलब एक बेसिक हर एक बॉक्स की एक स्पेसिफिक आईडी रहेगी, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ एक आईडी ही डिफाइन करी है, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना सेक्शन। अब यहाँ पे बात करें इस लिस्ट की, तो मैंने क्या किया, सिंपल एक लिस्ट बनाई है बटन लिस्ट करके। उस बटन लिस्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, हर एक की आईडी स्टोर्ड है, और हम सिर्फ उस आईडी के हिसाब से यहाँ पर आगे चल के कोड करेंगे और समझेंगे कि ये कौन सा बटन प्रेस करने को कौन सी आईडी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अभी क्या होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 9 आईडीज है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगर कुछ भी समझ ना आए, डाउट लगे तो कमेंट करो, मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगा, राइट। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड या साथ में कोड करते चलना ताकि आपको इजीली समझ में आता रहे एंड आप ऐसे कूल लुकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहो, ठीक है ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। आगे और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बोलना, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं।